कल्याण कैसे होगा। एक वेश्या थी, उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वो साधुओं के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं का संग करो, साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वो ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तो कल्याण होगा। इसके बाद वो सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उसकी सेवा करने से कल्याण होगा। फिर वो वैरागियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि वैरागी सबसे तेज होता है, अतः उसकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वो अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई तो उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी हैं, तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र लो, तब हम ये बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वो वेश्या जहाँ भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण आश्रम मत संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया। ये देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझ में आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजो, तो हम क्यों ना वेश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने वेश्या भोज करने का विचार किया। उसमें उसने सब वेश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर सब वेश्याएं वहां आने लगी। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वेश्या भोज हो रहा है तो वे वेश्या को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वाले ने पकाए हुए चावलों का पानी माड़ नाली में गिराया। वेश्या छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबा जी बैठ गए और उस माड़ से हाथ धोने लगे। वेश्या ने देखा तो बोली कि हे बाबा जी, ये क्या कर रहे हो। बाबा जी ने कहा, तू अंधी है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं तो अपने हाथ धो रहा हूँ। वेश्या ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वे माने नहीं। वेश्या उतर कर नीचे आई और बोली कि हे बाबा जी, ये चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। बाबा जी ने कहा कि अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज़्यादा साफ निर्मल हैं जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से। ये सुनकर वेश्या को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा। बाबा जी बोले, जिस संत में किसी मत संप्रदाय आदि का पक्षपात आग्रह ना हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीव का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वो संत चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, साधु हो या ब्राह्मण हो, किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो और कल्याण होगा। तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी संपत्ति आएगी। जहाँ आसुरी संपत्ति आएगी वहाँ शांति नहीं रहेगी, प्रत्युक्त अशांति होगी, संघर्ष होगा, पतन होगा। भगवान की मर्जी। एक बाबा जी थे, कहीं जा रहे थे नौका में बैठकर। नौका में और भी बहुत लोग थे, संयोग से नौका बीच में बह गई। ज्यों ही वो नौका जोर से बही, मल्लाह ने कहा, अपने अपने इष्ट को याद करो, अब नौका हमारे हाथ में नहीं रही। प्रवाह जोर से आ रहा है और आगे भंवर पड़ता है, शायद डूब जाए, अतः प्रभु को याद करो। ये सुनकर कई तो रोने लगे,
कई भगवान को याद करने लगे। बाबा जी बैठे थे, पास में था कमंडलू। उन्होंने जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलना शुरू कर दिया और कमंडलू से पानी भर भर कर नौका में गिराने लगे। लोगों ने कहा, ये क्या करते हो, पर कौन सुने। वह तो नदी से पानी नौका में भर रहे और जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम कहते रहे। कुछ ही देर में नौका घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई। जहां नौका का बस चलता था, तब नाभिकिया ने कहा, अब घबराने की बात नहीं रही, किनारा निकट ही है। ये सुनकर बाबा जी नौका से जल को बाहर फेंकने लगे और वैसे ही जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम कहने लगे। लोग बोले, तुम पागल हो क्या, ऐसे ऐसे काम करते हो। बाबा जी, क्या बात है भाई, तुम लोग को दया नहीं आती, साधु बने हो। बेस तो तुम्हारा साधु का और काम ऐसा मूर्ख के जैसा करते हो। लोग डूब जाते तब बाबा जी, दया तो तब आती जब मैं पागल होता, मैं तो साधु ही रहा, मूर्ख का काम कैसे किया जाए। लोग जब नौका बह गई तब तो तुम पानी नौका के भीतर भरने लगे और जब नौका भंवर से निकलने लगी तब पानी वापस बाहर निकालने लगे। उल्टा काम करते हो। बाबा जी, हम तो उल्टा नहीं सीधा ही करते हैं। उल्टा कैसे हुआ, लोग सीधा कैसे हुआ। बाबा जी, सीधा ऐसे कि हम तो पूरा जानते नहीं। मैंने समझा कि भगवान को नौका डुबोनी है, उनकी ऐसी मर्जी है, तो अपने भी इसमें मदद करो। और जब नौका प्रवाह से निकल गई तो समझा कि नौका तो उन्हें डुबानी नहीं है, तब हमें तो उनकी इच्छा के अनुसार करना है। ये सोचकर पानी नौका से बाहर फेंकने लगे। साधु ही हो गए, तब हमें हमारे जीने मरने से तो मतलब ही नहीं, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है। पूरी जानते हैं नहीं, ये पहले जान लेती कि भगवान खेल ही करते हैं, उन्हें नौका डुबानी नहीं तो हम उसमें पानी नहीं भरते। पर उस समय मन में ये बात समझ में नहीं आई, हमने यही समझा था कि नौका डुबोनी है, यही इशारा है। ये शरणागत भक्त का लक्षण है, ये तो उन संतों ने कर दिया। जब आप लोगों का ये कहना है कि कहीं नौका डुबाने में लगे तो उसमें पानी तो नहीं भरना, परंतु रोना बिल्कुल नहीं, यही समझना कि बहुत ठीक है, बड़ी मौज की, बड़े आनंद की बात है, इसमें भी कोई छिपा हुआ मंगल है।